सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बनाने हैं व्रत में खाने वाला इजी सा, बिना झंझट के जो झट से बन के तैयार हो जाए वो वाला परांठा। ज्यादा काम करने का मन नहीं होता है व्रत में। देखिए एकदम पतला पतला सा परांठा मैंने बनाया है, बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको। तो उसके लिए लिया है मैंने ए 1/3 कप मैंने ये साबूदाना लिया है। इससे 2 से 3 परांठे बन जाएंगे। तो इसको हमने ना रोस्ट कर लेना है। रोस्ट मतलब सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैं मीडियम आंच पे पैन में सेक लूंगी। सेकने से क्या होगा कि ये अच्छे से पिसने में हमारी मदद हो जाती है। ये जो साबूदाना अच्छे से पिस जाएगा। आप चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा साबूदाना रोस्ट करके और उसको पीस के रख लीजिए। आटा तैयार होगा तो बनाना और भी इजी हो जाएगा। तो इसको अब मैं पीस लेती हूँ। पीसने के बाद इसको हमने छान लेना है। अगर छान में कुछ ज्यादा मोटा वाला साबूदाना आए आपके तो उसे एक बार फिर से चला के हम दोबारा छान सकते हैं। तो ये मैंने छान लिया। ये देखिए मेरे सफेद बाउल में तो जो वो आटा दिख ही नहीं रहा है। और इसके अंदर अब मैं डाली हूँ एक आलू, उबला हुआ एक आलू लूंगी मैं। और थोड़ी सी मैं गाजर भी इसके अंदर कस के डालने वाली हूँ। सब्जी आप कोई सी भी जो आपको पसंद है और व्रत में हम खा सकते हैं उसे आप इस परांठे में ऐड कर लीजिए। कोई भी चीज डाल सकते हैं। तो ये गाजर कद्दूकस कर ली और ये आलू भी मैं इसी के अंदर कद्दूकस कर लूंगी, जिसे काफी बारीक हो जाएगा तो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। कोई गुठली वगैरह भी नहीं आएगी इसको बेलते हुए। और ये जो बेबी स्पिनिच मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रखी थी। और बस अब थोड़ी सी पालक मैं लूंगी, उसे पानी में धोया और परांठे के अंदर मैं इसको मिक्सर के अंदर डाल दूंगी। ये जो स्टोर करके हम चीजें रख लेते हैं ना, वो ऐसे छोटे छोटे कामों में बड़ी इजीली फिर हम यूज कर पाते हैं। तो ये मैं डाल रही हूँ अदरक और हरी मिर्च स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, आपको सेंधा नमक ही जाएगा क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं। वैसे मैं रोज के खानों में भी सेंधा नमक ही यूज करती हूँ हमेशा। और ये लाल मिर्च का पाउडर डाल के इस आटे को हमने हाथों से बिना पानी मिलाए मसल लेना है। अब इसमें पानी जाएगा या नहीं, ये आपने कितनी सब्जी डाली है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने फ्रोजन पालक यूज करी है तो मुझे एक बूंद भी पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उसी में मेरा आटा अच्छे से बन गया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिएगा। चाहे तो 1 चम्मच तेल भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब जो परांठा बेलने वाली क्लिप थी वो हो गई बीच में से स्किप। तो ये परांठा मैंने बेल लिया भाई, जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे। और तवे पे अब हम घी लगा के इसको दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया सा सेक लेंगे। साबूदाने का है तो ये बहुत ही क्रिस्पी सा परांठा बनेगा। और अदरक हरी मिर्च सब्जियों की वजह से ये बहुत ही टेस्टी लगेगा परांठा खाने में। और ये बन के हो गए परांठे तैयार। अब चाहें तो आप इसे सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, आलू वगैरह की सब्जी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें इतनी सब्जियां और अदरक लहसुन सॉरी मिर्ची डाली हुई है तो उसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो ये जीरे और मिर्च के साथ जो मैंने दही लिया है उससे भी बहुत बढ़िया लगता है खाने में। व्रत रखा है तो बस बना लीजिए ये परांठा और खाइए लीजिए इसका मजा। बिल्कुल भी भूख नहीं लगने वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।